हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम द इनअप गाइस। आज हम सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का लेसन फिफ्थ करने जा रहे हैं, जिसके तहत गाइस आप इस वो भारत मतलब पांचवा चैप्टर का जो आपका चैप्टर का नाम है भारत में संघवाद और कनाडा के साथ तुलनात्मक परिक्षेप्य का अध्ययन गाइस ये पढ़ोगे, जिसके अंदर में गाइस दो देशों के बारे में हम बात करेंगे, दो देशों के संविधान, उनकी विशेषताओं, उनकी विभिन्नताओं और उनकी तुलनात्मक परिक्षेप्य का अध्ययन करेंगे, जो कौन कौन से हैं भारत और कनाडा। गाइस इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो क्या क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन क्या होता है, वो क्वेश्चन होता है गाइस, क्वेश्चन क्या आएगा इसकी इस चैप्टर का एक ही क्वेश्चन है जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाता है गाइस। वो क्वेश्चन क्या है, कहता है भारत और कनाडा का संघीय तुलना। भाई क्वेश्चन एक ही बनता है इस चैप्टर का, पूरा मस्त इंपोर्ट क्वेश्चन है, मस्त मतलब इंपॉर्टेंट मान लो, मस्त मान लो, जो भी करना हो कह लो, ठीक है। बहुत अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन बनता है इसी चैप्टर का, और एक ही क्वेश्चन पूरे आपके इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन में से पूरा जो मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कभी भी CBSE SOL में, तो यही क्वेश्चन से पूछे सकते हैं और कहीं से नहीं पूछ सकता। भारत और कनाडा का संघीय तुलनात्मक विशेषता बताओ, तुलनात्मक परिक्षेप्य कीजिए, उदाहरण दीजिए, कुछ भी करके इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसी में से पूछा जाएगा, कोई दूसरा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं संघवाद होता क्या है सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि गाइस मैं संघवाद कहूँगा चैप्टर में, पूरा संघवाद के बारे में पढ़ाऊंगा और पता चला संघवाद आपको पता ही ना हो, संघवाद कहते क्या यही आपको आइडिया नहीं है, ठीक है। तो संघवाद क्या होता है ये सबसे पहले समझ लेते हैं। संघवाद गाइस, जैसे कि मैंने लिखा संघवाद, संघवाद को इंग्लिश में फेडरलिज्म कहते हैं, फेडरलिज्म जो फेडरलिज्म है वो इंग्लिश का शब्द है, इंग्लिश में फेडरलिज्म कहते हैं। जो ये बना है संघवाद, फेडरलिज्म जो बना है वो लैटिन भाषा के शब्द से बना है, ये लैटिन भाषा के शब्द से बना है। इसका जो लैटिन भाषा के शब्द में इसको फोएडस कहते हैं, लैटिन भाषा के शब्द में इसे क्या कहते हैं, फोएडस। संघवाद को इंग्लिश में फेडरलिज्म कहते हैं, जो इंग्लिश में बना है फेडरलिज्म, इंग्लिश के फेडरलिज्म जो शब्द है वो किससे बना है, लैटिन भाषा के फोएडस से बना हुआ है, ठीक है। जिसका अर्थ होता है मतलब दो राज्यों का समझौता, जिसका अर्थ नॉर्मली यार क्या कहलाता है, समझौता या संधि कहलाता है। संघवाद का अर्थ क्या होता है, मतलब इनका फेडरस या संघवाद, इनका अर्थ क्या होता है, समझौता या संधि, ठीक है, संधि करवाते हैं ना, संधि या समझौता करवा रहे हैं दो पक्षों में, वो कहलाता है संघवाद कहलाता है, ठीक है। ये नॉर्मल से इसका छोटा सा हिंट था, समझने के लिए काफ़ी था इतना, और ये कुछ भी नहीं। आगे इस क्वेश्चन के जैसे हम करते हैं तो इसको हम दो पार्ट में करते हैं, भारत और कनाडा के परिक्षेप्य से हम करते हैं। सबसे पहले हम भारत के नज़रिए से देखते हैं, तो भारत के नज़रिए से मतलब इसको मैं एक साथ करवा रहा हूँ पूरा, ठीक है, किस तरह से क्या होने वाला है, तो मैं इसको दो पार्ट में बांट देता हूँ, ठीक है, दो पार्ट में बांटता हूँ, फटाफट ना दोनों करते हैं हम इसको, ज़्यादा कुछ बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, फटाफट हम करते हैं जितनी जल्दी हो सके। तो गाइस पहले सबसे पहले संघवाद का मैंने बता दें अर्थ क्या होता है, क्या चीज़ें होती है, तो भारत के नज़रिए से संघवाद क्या है, ठीक है, और इधर कनाडा के नज़रिए से संघवाद क्या है, ये हम देखेंगे दोनों साइड में, ठीक है, दोनों साइड को मैंने बांट के कर रहा हूँ फटाफट, और दोनों एक साथ करवाने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं भारतीय संघीय संरचनाएँ, भारतीय संघीय संरचना, भारतीय संघीय संरचना है बस, भारतीय संघीय संरचना मतलब क्या, भारत के अंदर में जो संघवाद का संरचना किस प्रकार की गई है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो गाइस जो भारत के अंदर में संघीय संरचना की गई है वो टोटल क्या कहती है गाइस, कि भारत का जो संघवाद संरचना है वो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होता है। 29 राज्य भारत के अंदर में टोटल 29 राज्य, 29 तरह के 29 राज्यों में भी और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में भी संघीय संरचना लागू होता है, जिसके तहत क्या कहा जाता है गाइस भारत के अंदर में, कि भारत का जो केंद्रीय संघीय संरचना है वो दो पार्टों में बटा रह जाता है, एक तो केंद्र और दूसरा राज्य, मतलब केंद्र के अधीन, केंद्र के थ्रू भी काम करती है हमारी सरकारें और राज्य के अधीन भी करती है, मतलब दो पार्ट में बंटकर केंद्र अलग कार्य करती है, राज्य अलग करती है, ये हमारे भारत की संघीय संरचना की विशेषता है, ठीक है। तो ये भारत की संघीय संरचना है, मतलब ये इस आधार है हमारे भारत के, जो संघीय संविधान का जो आधार है ना, संघीय व्यवस्था का आधार है, यही है कि भारत के अंदर में दो हम राज्यों के अंदर में रहते हैं। सपोज करो मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली के अंदर में क्या हुआ, केजरीवाल के अंदर के लिए, केजरीवाल जो बना रहा है हमारे रूल, जो सीएम ऑफ दिल्ली है, वो जो बना रहे हैं रूल रेगुलेशन जो बना रहे हैं वो मेरे ऊपर लागू होते हैं, और सेम जो दिल्ली है वो केंद्र के अंदर में आती है, तो केंद्र जो बना रही है वो भी मेरे ऊपर लागू होते हैं। तो इस तरह से हम दो संघीय मतलब दो राज्यों के बीच में, दो सरकारों के बीच में कार्य करते हैं, समझ में आता है। उसी तरह गाइस अगर हमें
कनाडा की बात करता हूँ तो कनाडा का संघीय संरचना, कनाडा का संघीय संरचना क्या है गाइस? कनाडा का अगर मैं संघीय संरचना की बात करूँ तो कनाडा के अंदर में भी ना दो पार्टों में बटी हुई संघीय संरचना है। दो पार्टों में कैसे? वहां पर भी केंद्र, उसमें भी कनाडा के अंदर में भी केंद्र और प्रांत, ठीक है, केंद्र और प्रांत के बीच में कार्य होते हैं। मतलब एक तरफ जो पावर है वो केंद्र के पास में भी और प्रांत के पास में भी, दोनों के अंदर में टकराव ना हो, दोनों एक साथ कार्य करें, इस कारण से वो संघीय व्यवस्था के तौर पर, संघीय व्यवस्था पर कार्य करते हैं, संघीय व्यवस्था के तौर पर कार्य करते हैं। कनाडा से भारत के अंदर 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसी तरह कैनेडा के अंदर में टोटल 10 प्रांत के तौर पर विभाजित किए गए हैं। 10 प्रांत है, छोटे बड़े 10 प्रांतों के अंदर विभाजित किए गए हैं। इतना समझ में आता है गाइस। अब हम बात करते हैं भारत के संघीय व्यवस्था की, संघीय संरचना की विशेषता क्या है, ठीक है गाइस? विशेषता जिसमें, इसमें भी विशेषता के अंदर में हम बात करेंगे। जो भारत की विशेषता है गाइस, जो संघीय संरचना की भारत की जो विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता और सबसे पहली विशेषता आती है गाइस लिखित संविधान, लिखित संविधान। भारत की जो संघीय संरचना की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? लिखित संविधान। जैसे कि गाइस आपने बहुत बार सुना होगा कि जो भारत का संविधान है वो एक लिखित संविधान है और बहुत बड़ा संविधान के तौर पर माना जाता है। जिस संविधान के अंदर में गाइस भारत के दो राज्य, मतलब हर राज्य के पास अलग पावर्स हैं और केंद्र के पास अलग पावर है, दोनों मिलकर कार्य करती है, दोनों के पास संविधान का, मतलब संविधान को दी, संविधान द्वारा दिए गए कुछ पावर्स हैं, ठीक है, ये कहा जाता है। और गाइस दो, मतलब भारत की जो व्यवस्था इस तरह से की गई है ना, राज्य भी पावर, अपने पावर के साथ कार्य कर सके और केंद्र भी अपने पावर के साथ कार्य कर सके, जिसके अंदर में केंद्र के पास कुछ बड़े मुद्दे, बड़े तरह के पावर हैं, जिसमें सुरक्षा, वित्तीय, ठीक है, और रक्षा मंत्रालय, ये सब, रक्षा विभाग, ये सब उनके केंद्र सरकार के अधीन कार्य करती है। पर राज्य सरकार के अधीन क्या आ जाता है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जन कल्याण, ये सब आ जाती है राज्य सरकार के अधीन, ये कहलाता है गाइस। इसके अंदर भारत का ये विशेषता हुई। दूसरी इसके अंदर भारत की विशेषता, पहले भारत की विशेषता करता हूँ फिर उसकी विशेषता बताता हूँ मैं। दूसरी भारत की विशेषता क्या होती है गाइस? भारत का जो संविधान है ना, संविधान, भारत का संविधान क्या? अपरिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील। भारत का संविधान क्या? अपरिवर्तनशील। अपरिवर्तनशील कहने का मतलब गाइस भारत का संविधान की संरचना इस तरह से की गई है कि उसको बदला ना जा सके, मतलब वो बदलने वाला संविधान नहीं है, जल्दी उसको बदलना बहुत टफ है, नहीं बदला जा सकता, बहुत टफ है भारत का संविधान को बदलना, मतलब इतनी जटिल की गई है कि उसको हम एक बार में चेंज करके हटा नहीं सकते। पर भारत के अंदर संविधान में ये उपाय जरूर किया गया कि उसके अंदर हम संशोधन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं पर बदल नहीं सकते, हम उसमें संशोधन कर सकते हैं पर बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। अगला उसके अंदर और बात करते हैं गाइस, अगला और उसके अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर क्या आ जाता है गाइस? भारत के संविधान की सर्वोच्चता। तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है? संविधान की सर्वोच्चता। इसके अंदर तीसरा पॉइंट आ जाता है गाइस भारत के संविधान की, यहाँ पर हम बात करते हैं गाइस भारत के संविधान की सर्वोच्चता के ऊपर। सर्वोच्चता कहने का मतलब क्या गाइस? कि भारत के संविधान के अंदर ये बताया गया कि दो तरह के पावर्स दी गई राज्य और केंद्र के पास में, पर दोनों के अंदर में ये नहीं था कि मतलब ये आप राज्य के अंदर में काम, मतलब राज्य बढ़ाए या केंद्र बढ़ाए, ऐसा करके ना करके इसके अंदर संविधान को सबसे प्रमुख बताया गया, मतलब संविधान को सबसे ज़्यादा वैल्यू दी गई, सर्वोच्चता प्रदान की गई, ये कहा जाता है इसके अंदर। तीसरा सबसे बड़ा मतलब ये रीज़न बनता है भारत का, मतलब संविधान की विशेषता के तौर पर। चौथा गाइस जो सबसे प्रमुख है क्या? द्वैत शासन प्रणाली, द्वैत शासन प्रणाली, ठीक है गाइस, द्वैत शासन प्रणाली। द्वैत शासन प्रणाली होती क्या है गाइस, वो सबसे पहले समझते हैं। तो द्वैत शासन प्रणाली के तहत गाइस भारत के संविधान को तीन पार्टों में बांटा गया। द्वैत शासन प्रणाली के तहत भारत के संविधान को टोटल तीन पार्टों में बांटा गया। तीन पार्ट में से पहला कौन सा? तो संघ, मतलब पावर्स को, भारत के संविधान को नहीं, भारत के संविधान के अंदर जो पावर्स थी, शक्तियाँ थी, उसको तीन पार्टों में बांटा गया। जो पहली कौन सी थी? तो संघ, दूसरी राज्य, तीसरी समवर्ती सूची, तीसरी समवर्ती। ये तीन पार्टों में बांटा गया, संघ, राज्य, समवर्ती, तीन पार्टों में बांटा गया। मतलब संविधान, भारत के अंदर में जो संविधान के पास पावर्स थी, जो शक्तियाँ थी, जो कानून थे, वो तीन पार्टों में बांट के दिए गए, संघ में, राज्य में और समवर्ती में। तो संघ और राज्य जो दो बड़े बड़े जो मतलब केंद्र और राज्य सरकार आती है वो तो समझ में आता है, समवर्ती क्या होता है यहाँ पे ये जानने की जरूरत पड़ती है। जो संघ के पास पावर्स हैं वो 97
तरह की पावर दी गई। जो राज्य सरकार के पास पावर है वो 66 तरह की पावर दी गई, और संवर्ती के पास जो पावर है वो 47 तरह की पावर्स दी गई, जिसमें संघ के पास जो पावर है वो किस तरह के हैं, सुरक्षा सुरक्षा वित्त सुरक्षा वित्त और क्या हो जाएगा रक्षा और बड़े कानूनी मुद्दे के तौर पर इनके पास पावर है, ठीक है। और ये केंद्र के पास में आई, जो बड़े बड़े मुख्य मुद्दे सुरक्षा सलाहकार ये सब विदेश मंत्रालय ये सब सारा राज्य संघ के पास आ गया। और राज्य के पास बात करते हैं तो राज्य के पास शिक्षा स्वास्थ्य जनकल्याण ये सब के तरह की पावर्स राज्य के पास आ जाती हैं। और अगर कहीं समवर्ती सूची के अंदर बात करते हैं, समवर्ती सूची के अंदर में तलाक के मुद्दे व्यापार ठीक है ट्रेड ये सब तरह की चीज़ें समवर्ती सूची में रखी गई हैं। तो ये हमारे भारत की ये चीज़ें थी, मतलब ये भारत के दो के शासन प्रणाली का ये चीज़ें बताई गई, ठीक है, जो टोटल तीन पार्टों में कार्य करती है। अब गाइस हम कनाडा के बारे में बात करते हैं, कनाडा के अंदर भी बात करते हैं, हमने भारत से प्रणाली को समझा, अब कनाडा के देखते हैं। तो कनाडा के अंदर बात करते हैं गाइस, तो सबसे पहले कनाडा के अंदर ज़्यादा चीज़ें ना होते हुए सबसे पहला क्या आ जाता है कनाडा के अंदर में विशेषता के तौर पर, लिखित संविधान। कनाडा का भी लिखित संविधान ही विशेषता है कनाडा की, लिखित संविधान। भाई कनाडा के जो संविधान है वो लिखित संविधान है, जिसके तहत क्या होता है कि वहाँ पर भी जो मतलब दो पार्टों में बांटा गया, जैसे मैंने वही बता दिया था आपको, केंद्र और प्रांतों के अंदर दिया गया, मतलब कनाडा की सरकार भी लिखित संविधान के तहत दो पार्टों में बांटती है। पर जब मैं कह रहा हूँ कनाडा के लिखित संविधान है, पर ऐसा पूरी तरह से नहीं है गाइस, क्योंकि कनाडा के लिखित संविधान में ज़्यादातर उनका जो पार्टिसिपेशन है मतलब जो रूल्स है वो रोल या रूल है जो भी है वो क्या कहते हैं उनकी संस्कृति या फिर उनका नियम कानून जो पहले से चलता आ रहा था, उनके व्यापार नियम कानून उनके तहत बनाए गए हैं। जैसे सपोज़ करो हमारे हिंदू धर्म में कई तरह के नियम रूल रेगुलेशंस हैं, ठीक है, नियम है, तो उनको उन्होंने कानून का दर्जा दे दिया गया है वहाँ पर, ठीक है, कनाडा के अंदर में ऐसा माना गया है। और कनाडा के लिखित संविधान इसलिए भी कहा जाता है गाइस क्योंकि ना वो विश्व की सबसे बड़ी संघीय शक्तियों में से एक शक्ति है, ठीक है, संघीय शक्ति प्रणाली में से एक प्रणाली है, जिसके अंदर टोटल 29 विषय रखे गए हैं, 29 विषय अंदर उसके अंतर्गत मतलब कनाडा के जो लिखित संविधान के तहत में कहा जाएगा इस, तो इसको कई तरह की चीज़ें इसके अंदर दी गई, प्रावधान दिए गए, जल्दी से उसके अंदर संशोधन नहीं किया जा सकता, जटिलता बनाई गई इसको, मतलब लिखित संविधान होने के साथ साथ इसको जटिल भी बनाया गया है, ठीक है, लिखित संविधान होने के साथ साथ इसको जटिल प्रक्रिया जटिलता से भी मतलब किया गया है, जिसके अंदर क्या कई तरह की विशेषताएं दी गई हैं, मतलब उसके संशोधन इजीली नहीं हो सकता है, उसके राज्य और समवर्ती सूची का बंटवारा किया गया है, जिसके अंदर जो अलग अलग सदस्य कहीं से जो चुने जाते हैं संविधान के लिए या फिर संघीय सूची के लिए वो जनसंख्या के आधार पर चुने जाते हैं, ठीक है, क्षेत्र के आधार पर चुने जाते हैं, ये सब उसके अंदर विशेषता बताई गई है। दूसरी इसके अंदर और विशेषता की बात करते हैं गाइस, तो इसके अंदर आता है शक्तियों का विभाजन, गाइस शक्ति का विभाजन, भाई आपको बस समझना है, राइटिंग में ना जाए, समझने पे ध्यान दें। शक्ति का विभाजन के अंदर बात करते हैं, शक्ति का विभाजन होता क्या है, तो गाइस जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि दो पार्टों में बटा हुआ है, भारत का भी और कनाडा का भी, केंद्र और प्रांत के बीच में बटा हुआ है शक्ति का विभाजन। तो जो मतलब भारत कनाडा की जो संघीय शक्ति थी, संघीय संरचना थी या संघीय विशेषता संरचना थी, वो क्या थी कि भाई जो वहाँ की संघीय सरकार या फिर संघीय रूल जो रेगुलेशन जो कार्य करेगा वो किस में करेगा, दो पार्टों में करेगा, केंद्र के अलग और राज्य के अलग, कोई किसी के बीच में या मतभेदता का नीति नहीं अपना सकता है, ऐसे करके उसके अंदर शक्ति तौर पर कहा गया है, ठीक है। ये गाइस टोटल मतलब कनाडा का बात किया गया, विशेषता के तौर पे इतना ही आता है और भारत की विशेषता के इतने आता है गैस, जो मैंने अभी तक बताया ना टोटल 18 मिनट मतलब 15 मिनट की वीडियो हो चुकी है, 15 मिनट की वीडियो में अगर गैस आप इतना 10 मिनट अगर मतलब इतना भी लिख के आते हो ना, तो आपका मतलब अच्छा खासा 2 से 3 पेज भर पाओगे। और उसके बाद गैस अभी इसके अंदर और थोड़ा सा बच जाता है, जिसके अंदर हम बात करेंगे दोनों की तुलना के तौर पर कि इसके अंदर क्या खासियत है, तुलनात्मक मतलब देखेंगे कि क्या खासियत है, ठीक है, दोनों के बीच में समानताएं क्या है, मतलब भारत और कनाडा के बीच में किस तरह की समानताएं हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं भारत और कनाडा के बीच में समानताओं के बारे में, ठीक है, भारत और कनाडा के बीच में समानता क्या है वो हम बात करते हैं, समानता मतलब दोनों के अंदर इक्वलिटी क्या पाई गई है, जिसमें से अब गाइस फटाफट करता हूँ मैं इक्वलिटी के अंदर, इक्वलिटी की बात करूँ मैं भारत और कनाडा की, तो गाइस मैं इधर लिखवा दूँ, यहाँ पे देख लो इक्वलिटी। तो गाइस भारत की और कनाडा की इक्वलिटी की बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है लिखित संविधान है, लिखित और जटिल संविधान है, ठीक है, लिखित और जटिल संविधान। भारत और कनाडा का दोनों का लिखित और जटिल संविधान के तौर पर विख्यात है, विश्व में विख्यात है कि भाई दोनों का लिखित और जटिल संविधान है। दूसरा अगर इसी के अंदर और बात करते हैं तो गाइस क्या संसदीय प्रणाली
भाई भारत का, भारत के अंदर में भी दो तरह के संसदीय प्रणाली है, विधानसभा राज्यसभा जो भी मतलब इस तरह से होता है, ठीक है, लोकसभा विधानसभा राज्यसभा मतलब इस मतलब बटा हुआ है ना, संसदीय विधायिका मतलब कहलाता है जो लोकसभा और राज्यसभा आती है, उसी तरह संविधान वो मतलब कि वहाँ पे भी कनाडा में भी यही चीज़ें अपनाई गई हैं, ठीक है। तीसरी इसकी विशेषता क्या आती है गाइस, संसद में उच्च सदन की संरचना, संसद की उच्च सदन की संरचना। भाई जो दोनों देश हैं भारत और कनाडा, दोनों के जो उच्च सदन है, उच्च सदन मतलब क्या सबसे बड़ा सदन जो है उसकी संरचना किस हिसाब से की गई है। तो गाइस जो भारत का उच्च सदन है उसके अंदर में मतलब क्या होता है कि उसके अंदर में अलग अलग जनसंख्या के, भारत के जो उच्च सदन है मतलब राज्यसभा जिसको उच्च सदन के तौर पे माना जाता है या लोकसभा जो भी है उसके अंदर में जनसंख्या के आधार पर चुना जाता है। जैसे गाइस यूपी, यूपी की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो उसके अंदर लोकसभा से टोटल 80 सीटें आती हैं। वही अगर बांग्लादेश पश्चिम बंगाल की बात करूँ तो वहाँ 48 आती है, बिहार की बात करूँ तो वहाँ 40 आती हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ गाइस, इसमें दिल्ली के अंदर बात करूँ तो यहाँ पे 7 आती हैं लोकसभा की सीटें। तो इसके अंदर क्या कहा जाता है गाइस कि इसके अंदर जो मतलब सीटें दी गई हैं मतलब जो सदस्य संख्या दी गई वो भारत के अंदर में उस जनसंख्या के आधार पर दी गई। सेम चीज़ें मतलब समानता के तौर पर सेम चीज़ें उसके अंदर भी पाई गई, उच्च सदन की संरचना जो की गई वो जनसंख्या के आधार पर की गई। जैसे वहाँ के अगर बात करोगे ना तो दो शहर है ऑक्टेरिया और क्यूबोक, वो मतलब कनाडा के दो बड़े शहर हैं ऑक्टेरिया और क्यूबेक और ऑक्टेरिया, उनके अंदर ना 24-24 एक ही जगह से ना 24-24 सदस्य चुने जाते हैं। और उसके बाद ना जो कुछ बड़े बड़े जो दो शहर है, प्रिंस एडवर्ड द्वीप करके एक मतलब कनाडा का शहर है, प्रिंस एडवर्ड द्वीप, उसके अंदर में सिर्फ 4 सदस्य चुने जाते हैं, वहां से सिर्फ 4 प्रतिनिधि चुन के भेजे जाते हैं। तो ये कहलाता है मतलब गाइस जो बड़ा छोटा उससे नहीं देखना, उसे वहां पे जनसंख्या के आधार पर चुनने का आधार बनाया गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहलाता है गाइस। और इसके अंदर और अगर इसके अंदर और बात करते हैं गाइस तो चौथा इसका सबसे बड़ा मतलब जो विशेषता बनती है, समानता बनती है, वो सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय भी भाई इसकी सबसे बड़ी उसके मतलब समानता के तौर पर आती है। दोनों के सर्वोच्च न्यायालय की जो नियुक्ति होता है ना भारत के राष्ट्रपति, जैसे भारत के अंदर में सर्वोच्च न्यायालय की जो सबसे बड़ा पद की नियुक्ति के तौर पर भारत का राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो वहां पर ना जो ब्रिटेन का गवर्नर जनरल मतलब ब्रिटेन के अंदर का जो राजा रानी होते हैं ना वहाँ का राज्याध्यक्ष के तौर पर जाने जाते हैं। ब्रिटेन के अभी भी मतलब कनाडा ब्रिटेन के गुलाम के तौर पर कार्य करता है आपको बताऊँ तो, और जो ब्रिटेन के जो राजा रानी होते हैं जो भी वो राज्य अध्यक्ष के तौर पर कार्य करते हैं कनाडा के अंदर में। तो कनाडा के जो उनको मतलब नियुक्ति होती है ना सर्वोच्च न्यायालय की, वो कनाडा के गवर्नर जनरल द्वारा की जाती है, ठीक है। जिस तरह भारत के अंदर में राष्ट्रपति को जिस तरह जितने पावर दिए गए वहाँ पर गवर्नर जनरल को उतने ही पावर दिए गए कनाडा के अंदर में। और दूसरी चीज़ इसके अंदर और क्या क्या कही जाती है गाइस, पांचवी इसके अंदर पांचवी विशेषता क्या आती है इसकी खास समानता है, केंद्रीय संघवाद, ठीक है, केंद्रीय संघवाद, केंद्रीय संघवाद, केंद्रीय संघवाद क्या होता है गाइस, कहता है कि दोनों मतलब दोनों देशों में संविधान के एकात्मक और मतलब एकात्मक की ओर झुकाव है, केंद्र की ओर ना ज़्यादा शक्तियाँ नहीं थे ऐसा सबको लगता है। और दोनों देशों की खास बात यही है कि उनके जो संविधान का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया ना कि ऐसा लगता है देखने में कि केंद्र की तरफ झुकाव संविधान का ज़्यादा है। मतलब हमारे भारत में देखोगे क्या कि राज्य सरकार कम कार्य करती है, केंद्र सरकार ज़्यादा कार्य करती है, ऐसा देखने में नज़र आता है। और मतलब उनका झुकाव जो संविधान का या संघीय व्यवस्था का झुकाव है वो केंद्र की ओर ज़्यादा है, तो ये यहाँ पर कहा जाता है। और इसके अंदर कहते हैं बात करते हैं छठा पॉइंट इसका, छठा समानता के समानता क्या है, संघवाद का विकास, संघवाद का विकास, ठीक है, संघवाद का विकास, संघवाद का विकास क्या कहलाता है गाइस इसमें कि भाई भारत और कनाडा दोनों ही अपनी ओर से मतलब जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं उनकी भूमिका मतलब ना कम करती जा रही है, ठीक है। क्षेत्रीय पार्टियां उदय भारत के अंदर में देखोगे ना तो अगर आप दिल्ली में हो तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ठीक है। अगर आप बिहार गए तो वहाँ पे JDU, RJD, ठीक है, और यूपी गए तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये सब करके अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां का मतलब ज़्यादा है। बंगाल गए तो TMC, तृणमूल कांग्रेस, अगर मुंबई गए मतलब महाराष्ट्र गए तो शिवसेना, मतलब ये क्या क्षेत्रीय पार्टियां हैं। राष्ट्रीय पार्टियों की स्तर कम होती जा रही है, क्षेत्रीय पार्टियों का बढ़ाव ज़्यादा है, तो ये विकास संघवाद का विकास है। अगर संघवाद इस तरह नहीं होती, संघवाद नहीं होता भारत के अंदर में तो एक ही पार्टी हो, जैसे पता है क्या
चीन है, चीन के अंदर में संघवाद ना होने के कारण क्या होता है कि वहां पे सिर्फ एक पार्टी ही चुनाव लड़ती है, पर भारत के अंदर में संघवाद होने का फायदा क्या है कि यहाँ पर कई तरह की क्षेत्रीय पार्टियां भी उसमें पार्टिसिपेशन करती हैं, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां पार्टिसिपेशन करती है। अगर मान लो चीन की तरह हमारा भारत होता तो हमारे भारत में सिर्फ एक ही पार्टी होती, या कांग्रेस या फिर कोई दूसरी जो भी बड़ी पार्टी होती, वो मेरे हिसाब से तो कांग्रेस ही चल रही होती, ठीक है। ये गाइस आपका टोटल समानता आ गई, पर गाइस इसका एक और पार्ट रह जाता है जो कहलाता है विभिन्नताएं, ठीक है, क्योंकि ये पूरा गाइस क्वेश्चन आपका 20 नंबर का आता है और 20 नंबर में इतना बड़ा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो विभिन्नताएं भी कर लेते हैं, विभिन्नता ज़्यादा छोट बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। विभिन्नताएं, विभिन्नताएं क्या होती है, मतलब डिफरेंसेस, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है गाइस, तो सबसे बड़ा डिफरेंसेस आते हैं राज्य अध्यक्ष की स्थिति, राज्य राज्य अध्यक्ष राज्य अध्यक्ष की स्थिति, राज्य अध्यक्ष की स्थिति, राज्य अध्यक्ष की स्थिति मतलब ना भाई कि भारत के अंदर जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति भारत के अंदर में जो राष्ट्रपति है उसको चुनाव के जरिए चुनकर लाया जाता है, चुनाव के जरिए चुनकर लाया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव होते हैं जिसके अंदर डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली चुनाव होते हैं राष्ट्रपति के, जिसके अंदर जो हम चुनते हैं जिन लोगों को, सपोज करो मैंने अपने जहाँ पे दिल्ली में रहता हूँ वहाँ से मैंने किसी को जिताया, सपोज करो मैंने इलेक्शन, अभी लोकसभा के इलेक्शन आ रही है, विधानसभा के इलेक्शन आए, मैंने किसी को यहाँ से MLA चुना, ठीक है, MLA चुना मैंने यहाँ से, किसी को विधायक चुना, वो विधायक क्या करेगा, मेरा चुना हुआ प्रतिनिधि जाएगा और अपने हिसाब से राष्ट्रपति को वोट डालेगा, और जो उसने जिसको वोट डाला उसके हिसाब से जीते हुए प्रतिनिधि हमारा राष्ट्रपति बनता है। तो इस चुनावी प्रक्रिया के थ्रू हमारा राष्ट्रपति चुना जाता है। पर कैनेडा के अंदर क्या है, इसकी विभिन्नताएं क्या, दोनों के अंदर डिफ्रेंसेस क्या पाई जाती हैं कि वहाँ का जो राज्य अध्यक्ष होता है, राज्य अध्यक्ष या मतलब जो होता है वो ब्रिटेन के ना गुलाम है, अभी भी ब्रिटेन का गुलाम है, तो ब्रिटेन का जो राजा या रानी होती है वो वहाँ का राज्य अध्यक्ष के तौर पर कार्य करता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है गाइस, इसकी उच्च सदन की संरचना, मतलब विभिन्नता के अंदर में आ जाता है इसका उच्च उच्च सदन की संरचना। उच्च सदन की संरचना क्या होती है गाइस, अब यहाँ पर उच्च सदन की संरचना के बारे में बात करते हैं, तो उच्च सदन की संरचना मतलब क्या, तो गाइस जैसे कि भारत की जो संविधान है, भारत की संविधान है उसके तहत में राष्ट्रपति अपने अकॉर्डिंग 12 मेंबर्स को ना बिना किसी वोट, बिना किसी इलेक्शन, बिना किसी चीज़ के नियुक्त कर सकता है राज्यसभा की सीटों पर, ठीक है, राज्यसभा की सीटों पर ना मतलब हमारा राष्ट्रपति 12 बंदों को नियुक्त कर सकता है। बट कैनेडा में क्या है कि वो जो उच्च सदन की मतलब सीटें हैं ना, जितनी ज़्यादा ज़्यादा मतलब वो अपने हिसाब से ना किसी भी बड़े व्यापारी, ठीक, किसी को भी मनोमित कर सकता है, अपने हिसाब से मनोमित कर सकता है। जैसे मनोमित सदस्य पढ़ा होगा आपने 12th में 11th में, राष्ट्रपति के पास 12 पावर्स होती है, 12 सीटें होती है जो अपने हिसाब से करता है, पर कैनेडा में अनलिमिटेड है, किसी भी व्यापारी किसी भी को भी अपने हिसाब से कर सकता है। भारत में सिर्फ 12, बट उसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो किसी भी कोई इलेक्शन की ऐसे कोई जरूरत नहीं पड़ती उसके अंदर, ठीक है। लास्ट में क्या होता है गाइस, संविधान की भूमिका, संविधानिक अध्यक्ष की भूमिका, संविधानिक अध्यक्ष भाई बस थोड़ा सा है, लास्ट में बस इतना ही है, ठीक है। संवैधानिक अध्यक्ष की भूमिका, इसके अंदर जब बात करते हैं संवैधानिक अध्यक्ष की भूमिका ये होता क्या है, तो गाइस यहाँ पर जैसे भारत का कोई प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री ने अगर कोई रूल रेगुलेशन लागू किया तो हमारे न्यायालय या मतलब राष्ट्रपति उसको अगर लागू कर देता है तो हमारे न्यायालय द्वारा उसे कैंसिल किया जा सकता है। पर कनाडा में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कनाडा के अंदर में ऐसा नहीं हो सकता, एक बार जो लागू हो गया वो हो गया। तो इस तरह का ये संवैधानिक अध्यक्ष की भूमिका भी इसके अंदर आती है, ठीक है। आपने टोटल ये पूरा क्वेश्चन आपको मैंने अच्छे समझाया है, अच्छा खासा टाइम वेस्ट हुआ है, ठीक है, टाइम मतलब लगा है 20-25 मिनट का। तो गाइस अगर आपको चैप्टर समझ में आया, अच्छे से पूरी तरह से अच्छे से समझ में आया चैप्टर, क्या लगता है आप इसको करने के बाद नंबर ला सकते हो, ठीक है, नंबर आप कर पाओगे पेपर, मतलब जितना आपको पहले आता था उससे कहीं ज़्यादा थोड़ा सा नॉलेज बढ़ा है। तो प्लीज़ यार DENV को एक गोल है हमारा, उस गोल को अचीव करवाने के लिए एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर करें यार। एक शेयर आप कर सकते हो, इतना कर सकते हो यार, आपके पास इतनी कैपेसिटी है, एक शेयर कर सकते हो। तो प्लीज़ DENV को नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, यार एक गोल हमारा अचीव करने में मदद करो। हम आपके BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के पूरी सिलेबस कवर करवाने के लिए प्रॉमिस करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।